मेंबर आज हम करेंगे बबल परिकल्पना। हमने पिछले वीडियो में देखा था जेनेटिक कोड के कुछ गुणों को देखा था, उनमें से एक गुण उनका होता है डीजेनरेसी, जिसमें एक अमाइनो एसिड जो है एक से अधिक जेनेटिक कोड द्वारा कोडित होता है। आपने वहाँ एग्जाम्पल भी देखा था, सरीन जो है वो 6 जेनेटिक कोड से कोडित होता है, जिसमें से 3 प्राइम वाला जो बेस है वो बस वेरी करता है, बाकी जो फर्स्ट टू बेसिस होते हैं वो उसमें सेम होते हैं। तो इसी आधार पर ये बताया कि जो जेनेटिक कोड का जो थर्ड बेस है वो अमीनो एसिड को कोडिंग करने के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। अमीनो एसिड को कोडिंग करने के लिए केवल जो शुरू के दो बेसिस होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस वही भाग लेते हैं। और ये देखा गया है कि एक ही टीआरएनए मॉलिक्यूल जो है वो एक से ज़्यादा कोडॉन को रिकग्नाइज कर सकता है उनके पहले दो बेसिस के आधार पर, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पहले दो बेस हैं वो सेम होते हैं और थर्ड बेस में ही डिफरेंस होता है। तो डॉक्टर क्रेकर ने 1965 में ही एक परिघटना बताई जिसे बबल हाइपोथेसिस कहते हैं, जो इस परिघटना को समझाते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने देखा कि जब एंटीकोडॉन में फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब 5 प्राइम पोजीशन पे जब यूरेसिल होता है, तो ये कोडॉन में 5 प्राइम पोजीशन 3 प्राइम पोजीशन में कोडॉन में या तो एडेनाइन या ग्वानिन से बेस पेयरिंग कर सकता है। तो इससे जो उन्होंने बबल पेयरिंग के लिए कॉम्बिनेशन बताया है, यहाँ पे वो कॉम्बिनेशन है जो कि बबल कॉन्सेप्ट के आधार पर संभव है। अगर एंटीकोडॉन में बेस ग्वानिन है तो कोडॉन में वो यूरेसिल या साइटोसिन से बेस पेयरिंग कर सकता है, अगर यहाँ पे एंटीकोडॉन में साइटोसिन है तो वो ग्वानिन से कर सकता है, एडेनाइन है यहाँ पे एंटीकोडॉन में तो कोडॉन में यूरेसिल से कर सकता है, और एंटीकोडॉन में यूरेसिल है तो यहाँ पर कोडॉन में एडेनाइन से कर सकता है। इसी तरह एंटीकोडॉन में अगर आइनोसिन है तो आप देख रहे हैं तीनों से बेस पेयरिंग कर सकता है, एडेनाइन, यूरेसिल और साइटोसिन। तो ये यहाँ पे डायग्राम में यही बताया कि सपोज ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है जिसका ये 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड है, 5 प्राइम एंड पे यहाँ पे यूरेसिल है तो कोडॉन में यहाँ पे एमआरएनए में इसके अपोजिट नॉर्मल बेस पेयरिंग में एडेनाइन होना चाहिए, लेकिन ये बबल पेयरिंग के अकॉर्डिंग जी से भी ग्वानिन से भी पेयरिंग कर सकता है। तो इस परिकल्पना का एसेंस या इम्पोर्टेंस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव बेस पेयरिंग के द्वारा जो है एंटीकोडॉन कोडॉन से इंटरैक्ट कर सकें, इसलिए ये परिकल्पना को बताया गया। अब हम देखेंगे राइबोसोम का संगठन, जो कि एक्चुअल जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया है वो राइबोसोम पर ही होती है, जिसे हम फैक्ट्री भी कहते हैं प्रोटीन की संश्लेषण की। तो ये दो सबयूनिट से मिलकर बना होता है, आप सभी को पता होगा स्मॉल सबयूनिट और लार्ज सबयूनिट। स्मॉल सबयूनिट का जो आकृति ये शेप है वो इलॉन्गेटेड होती है, ये हेड रीजन है और ये इसका बेस रीजन है, ऊपर वाला भाग प्लेटफॉर्म कहलाता है। हेड और बेस रीजन जो है वो क्लेफ्ट से सेपरेट होता है, जो प्लेटफॉर्म है यहीं पर आके लार्ज सबयूनिट ऐसे ऊपर फिट होती है। और ये लार्ज सबयूनिट का डायग्राम है जिसमें ये बेस रीजन है, ये स्टॉप रीजन है, स्टॉप रीजन यहाँ क्लेफ्ट रीजन में आके फिट हो जाता है। जो लार्ज सबयूनिट है वो कॉम्पैक्ट संरचना या संगठित छोटी संरचना होती है। फिर ये जो फंक्शनल साइट्स राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले राइबोसोम की ये जो दोनों उप इकाइयाँ हैं लार्ज और स्मॉल सबयूनिट, वो मैग्नीशियम आयन की कम सांद्रता में वियोजित हो जाती हैं और मैग्नीशियम आयन की अधिक सांद्रता में फिर से मिलकर कंप्लीट राइबोसोम बनाते हैं, जो कि प्रोटीन संश्लेषण के दौरान बनता है। तो जब कंप्लीट राइबोसोम पार्टिकल बनता है तो इसमें दो बिल्कुल डिस्टिंक्ट और एक दूसरे से लगी हुई साइट होती है जो कि अमाइनो एसिड टीआरएनए को बाइंड करती है, इसे कहते हैं साइट ए और साइट बी। सबसे पहले टीआरएनए जो है वो साइट ए पे बाइंड करता है, फिर वो साइट ए से साइट बी पे शिफ्ट होता है और फिर अगले आने वाला जो अमाइनो एसिड टीआरएनए है वो साइट ए में एंटर करता है। ये दोनों ही साइट तभी बन सकती है जब कंप्लीट राइबोसोम बना हो, मतलब उसमें दोनों का रोल होता है स्मॉल का भी और लार्ज सबयूनिट का भी। इन दो मेन डिस्टिंक्ट साइट्स के अलावा राइबोसोम पर और भी साइट्स होती हैं, जैसे कि लार्ज सबयूनिट में एग्जिट साइट होती है जिसके थ्रू एम्प्टी टीआरएनए अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने के बाद निकल जाते हैं। दूसरा है पेप्टाइड ट्रांसफरेंस साइट, जो कि ग्रोइंग पेप्टाइड चेन को होल्ड करता है ताकि पेप्टाइड ट्रांसफरेंस एक्टिविटी हो सके। और जो स्मॉल सबयूनिट है उसमें एमआरएनए साइट
फिर एलोकेशन फैक्टर टी साइट और एलोकेशन फैक्टर